Subscribe the channel for my latest videos and press the bell icon to get the reminder of new videos. परीक्षाएं चल रही हैं और आप परेशान हैं कि अच्छे से अच्छे अंक लाएं कैसे। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमारे साथ हैं और ग्रामर की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स हमें देती है परीक्षाओं में। ये कुछ और नहीं, ये है नोट मेकिंग, जो 11वीं और 12वीं क्लास के सेकेंड पैसेज के रूप में ही आता है। 11वीं और 12वीं कक्षा में अब क्या देखा गया है कि 11वीं में अब सारे प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं और अब 12वीं कक्षा में केवल यह 8 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। तो नोट मेकिंग है क्या, इसे बनाते कैसे हैं, आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से इसे बनाएंगे और आप भी बनाना सीख जाएंगे और बहुत आसानी से इसे आप बनाने लगेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोट मेकिंग है क्या। नोट मेकिंग, नोट का मतलब होता है खास चीजों को चुनना और उतनी ही चीजों को सामने रखना जो जरूरत की चीजें हैं। जैसे आपने सुना होगा कि दूध से घी निकाल लेना, मलाई निकाल लेना, ठीक उसी प्रकार एक दिए हुए पैसेज में से मुख्य बातों को निकाल लेना है और उतनी ही बातों को निकालना है जो कि हमें पूरे पैसेज का मीनिंग कम से कम शब्दों में बता सके और फिर सारे मार्क्स आपके। तो करें कैसे, तो इसमें क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसका एक फॉर्मेट देखना पड़ता है। तो आप इसके फॉर्मेट को देखेंगे, मैं आगे दिखा रहा हूं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसके मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। जैसे ही आप मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करना सीख जाएंगे, आप जान जाएंगे कि ये पैसेज की मुख्य बातें हैं, इन्हें हमें लिखना है। तो मुख्य बातों में से हम लोगों को 3-4 चीजें निकालनी होती हैं। सबसे पहले होता है टाइटल, टाइटल ऑफ द पैसेज, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, जिस पर एक मार्क्स दिया जाता है। दूसरा है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है, जब आप पैसेज को देखेंगे तो पैसेज में पाएंगे कि 2-3 पैरा उसमें रहेंगे और पैरा को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम एक मेन पॉइंट के रूप में लिखना है और लिखने के बाद उसमें से जो मुख्य मुख्य और भी कुछ कीवर्ड्स हैं उसको निकाल कर हम लोग सामने 1-2-3 करके लिख देते हैं। मान लिया जाए कि अगर मेन पॉइंट का नाम मैंने ए दिया तो सब पॉइंट पहला क्या होगा, A1, अगर दूसरा पॉइंट आ रहा है तो A2, तीसरा पॉइंट आ रहा है तो A3, 2-3-4 ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। ये काम हमें हर पैराग्राफ में करना है और हर महत्वपूर्ण बात के साथ करना है। अगर आप ये कर लेते हैं बहुत आसानी से इसे आप कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। फिर क्या करना है कि ये काम करने के बाद हमें एब्रिविएशन पे ध्यान देना है। एब्रिविएशन क्या है, संक्षिप्त रूप शब्द का, यानी शब्द को एब्रिविएट करना यानी छोटा करना। जैसे इंफॉर्मेशन, अगर इतना बड़ा वर्ड है तो इसको हम INFO इन्फो लिख कर एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अगला क्या करना है कि जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं उनको हम एब्रिविएट करके लिख देंगे। इसके बाद हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है समरी लिखना, जो कि 3 मार्क्स का होता है। तो 3 मार्क्स की समरी हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक के, उसकी मुख्य बातों को हम लोग लिख देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं बताने जा रहा हूं कि आप नोट मेकिंग करते समय हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि मोटा मोटी जो बातें हैं उसको हम लोग सीधे सीधे कह देना है। बात समझ में आ रही है, हमें हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग नहीं करना है और
मैं आगे की प्रैक्टिस में बताऊंगा कि करना कैसे है। समरी लिखने के बाद जब आप देखेंगे कि पूरे पैसेज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, मुख्य बात क्या निकल के आ रही है, तो हम लोग उसका एक टाइटल दे देंगे सबसे ऊपर। टाइटल का काम सबसे अंत में करेंगे, क्योंकि पूरे पैसेज में जो कुछ है उसकी बातें जब पूरा आप पैसेज का नोट मेकिंग कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ये पैसेज किस चीज के बारे में है। समझ रहे हैं आप? तो आप क्या करेंगे, टाइटल को सबसे अंत में लिखेंगे, लेकिन लिखना सबसे ऊपर में, टाइटल सबसे ऊपर होगा, जो कि आपका एक इंट्रोडक्शन है पूरे पैसेज का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पैसेजेस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे अंडरलाइन करते हैं, और इनके मुख्य बातों को कैसे मेन पॉइंट्स में लाते हैं, सब पॉइंट्स बनाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं और नोट मेकिंग करते हैं पैसेज का। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द इंटरनेट हैज हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द वे वी लिव सिंस द इंटरनेट हैज मेड ऑपरेशनल इन 1983 इट हैज लोअर्ड both the cost of communication and the barriers to creative expression. It has challenged old business models and enabled new ones. It has provided access to information on a scale never before achievable. तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कुछ underline किए हैं शब्दों को, और ये शब्द हमें काम आने वाले हैं नोट मेकिंग करते समय। आइए अब आगे इसके अगले पार्ट को हम लोग देखते हैं, और इन अंडरलाइन शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। इट सक्सीडेड बिकॉज वी डिजाइंड इट टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन दीज टू फीचर्स हैव अलाउड इट टू एकोमोडेट इनोवेशन विदाउट मैसिव चेंजेस टू इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एन ओपन बॉर्डरलेस एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म मीन्स दैट बैरियर्स टू एंट्री आर लो कॉम्पिटिशन इज हाई Interoperability is assured and innovation is rapid. तो आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने बहुत सारे शब्दों को underline किया है, जो कि आपको note making में देखने को मिलेंगे, और आप आसानी से note making में इनका उपयोग कर पाएंगे। आइए passage के अगले part में हम लोग देखते हैं। The beauty of an open platform is that there are no gatekeepers. For centuries access to and creation of information was controlled by the few. The internet has changed that and it's rapidly becoming the platform for everyone by everyone. तो इस तरह से पूरे पैसेज को हम लोगों ने पढ़ लिया, इनके शब्दों को अंडरलाइन कर लिया। अब हम लोग जो हमारा फॉर्मेट है उसकी मदद से इसका हम नोट मेकिंग करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं। आइए अब हम लोग फॉर्मेट को सामने रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल लिखेंगे। टाइटल हम लोगों को बाद में डिसाइड करना है। पहला जो मेन पॉइंट बनाना है वो मैंने बनाया है इम्पैक्ट। इसका A1 सब पॉइंट है शॉर्ट पीरियड, A2 प्रोफाउंड ऑन लाइफ, A3 सिंस 1983, A4 लो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, A5 removed barrier, A6 challenged old business, A7 enabled new one. तो हमने यहीं पे बड़े बड़े शब्दों को abbreviate कर दिया है, जैसे communication को COMM कर दिया है, removed को REMO कर दिया है, barrier को BARR कर दिया है। तो इसी तरह से अब हम लोग दूसरा main point बनाएंगे, जो है features। इसके features क्या हैं? B1 flexible है, B2 open है, B3 borderless है, B4 standard है। इसी तरह से C point जो है main point वो है beauty। C1 क्या है? Open platform। C2 no gatekeepers। C3 platform for everyone। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों paragraphs के main points को और sub points को निकाल लिया। आइए अब main points और sub points की मदद से summary बनाते हैं। देखिए, इंटरनेट स्टार्टेड इन 1983, इन शॉर्ट पीरियड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ वॉज प्रोफाउंड बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टैंडर्ड। इट्स ब्यूटी लाइज इन ओपन प्लेटफॉर्म, नो गेटकीपर्स
एंड फॉर एवरीवन। इस तरह से हम लोगों ने बहुत कम शब्दों में पूरी बात कहने का प्रयास किया है, आपको भी ऐसा ही करना है। क्योंकि अगर पैसेज बड़ा होगा तो आपकी समरी 80 वर्ड के होंगे, और यहाँ चूंकि पैसेज छोटा था इसलिए कम से कम शब्दों में समरी को यहाँ लिखा गया है। आप भी इसी तरह का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों ने पूरे पैसेज को कर लिया है, समझ लिया है, तो आपके सामने कौन सी बात सामने आ रही है कि ये सारी बातें किस चीज़ के ऊपर की गई हैं, क्या इसका कंटेंट हो सकता है। तो सारे कंटेंट डिपेंड करते हैं, जी हाँ, इंटरनेट पे। तो हमारा टाइटल अब डिसाइड हो चुका है कि इसका टाइटल इंटरनेट होगा। तो समझ गए आप लोग, इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है और बनाने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको क्या करना है कि पूरे पैसेज का नोट मेकिंग कर लेना है और मुख्य बातों को लिखना है और प्रस्तुत करना है। सारे मार्क्स आपके होंगे, आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा में लिखें, पास करें और हमेशा बुलंदियों पर रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।